बानीखेड़ी से बोल रहे हैं, मेरी पत्नी खेत मैं पर अकेली औरत खेत में काम कर रही थी। सात जने ठाकुर के सात जने आए, पूरी गैंग आई और मुझे मारा पीटा और मुझे घसीटा और मुझे गाली भी दी उनने। तू तुम बराण अछूत है, तू हो, अछूत है, तू बराण है, बराण के हिसाब से रहे। हम ठाकुरों को नहीं जानती तू, हम ठाकुर है, तुम सरकार दलित हमारा कुछ लोग नहीं हो, बिगड़। ऐसा बोला उन्होंने। और जब मैं बीच बचाव में गया तो मेरे को भी मारने की कोशिश करी और मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी, मुझे भी नीचे गिरा दिया उन्होंने और कहा कि हम दबंग ठाकुर है, तुम हमें अभी जानते नहीं हो और हमारी सरकार है, हम चाहे जो कर सकते हैं, तुम हमसे कुछ पंगा लेने मत वरना जान से हाथ धो बैठोगे तुम, ऐसा हमें बोला और हमें मारने की कोशिश हम कर रहे हैं। चौकी पे गए रिपोर्टर डलवाने, तो वहां पे भी पीछे पीछे गाड़ी लेके वहां चौकी में भी आ गए, सुखेड़ा चौकी में। मारने के लिए हमें रास्ते में आ गए, चोर हमारा पीछा करा और हमें चौकी में भी नहीं जाने दे रहे हम थे, खेत हमारी पे गाड़ी काम रोक करने भी ली, नहीं जा सकते, उनसे डर लग रहा, हमें हमें मार डालेंगे वो। हमें मारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वो। और साहब हम चौकी में गए तो चौकी में हम पौने एक बजे के आसपास पहुंच गए थे, जिसकी सुनवाई हमारे 4 बजे तक, हमारी रिपोर्ट लिखी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और सामने फरियादी की सुनते रहे, उनसे बयानबाजी करते रहे और हम उनका मुंह देखते रहे और हमें कहा हाँ लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी और हम गरीब लोग हैं और कहते हैं ये ठाकुर कि तुम तो दलित लोग हो, तुम हमारे जूते के नीचे रहने वाले हो, तुम हमारे सामने बोल कैसे रहे हो, तुम्हें हम मामा जी जान कहते हैं कि हम लाडली बहनों को 1000 रुपये देंगे, लाडली बहना की रक्षा तो करो पहले, फिर हम 1000 रुपये बाद में देना। हमें 1000 रुपये से जरूरी है, हमें 1000 रुपये से ज़्यादा हमारी इज्जत प्यारी है। ठाकुर लोगों के नाम हैं जिसमें भावना पिता दुल्हे सिंह है, राजेंद्र सिंह पिता भारत सिंह है, दुल्हे सिंह पिता जय सिंह है, अजय सिंह पिता दुल्हे सिंह है, मनोहर सिंह पिता भारत सिंह है, लोकेश सिंह पिता केसर सिंह है और लक्ष्मण सिंह पिता केसर सिंह है। इन सब ने मिलकर मेरी पत्नी को अकेला देखकर मारा घसीटा पीटा और जब बीच बचाव में मैं भी आया ऐसे मौके पर तो मेरे साथ भी उन्होंने मारने की कोशिश करी और मुझे मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी और मुझे भीम आर्मी की सहायता है कि ज़रूरत है, पुलिस हमारी कुछ सुन नहीं रही है।